जो रात को नाइट ड्यूटी करते हैं या रात को काम करते हैं वो अपना लिवर कैसे फिट रखें? ईटिंग इज नॉट ए गुड आइडिया इन द नाइट मुझसे कई लोगों ने इस बीच में कहा कि तुम वेट पुट ऑन कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि मैं रात भर काम करता हूँ शेड्यूल नहीं बन पाता आप जैसे मीडिया के तो कभी सोते ही नहीं आपका कोई टाइम ही नहीं True. एक क्वेश्चन बहुत सारे वर्किंग लोग हैं जैसे कई बार मैं एक्सक्यूज करता हूँ मुझसे कई लोगों ने इस बीच में कहा कि तुम वेट पुट ऑन कर रहे हो तो मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मैं रात भर काम करता हूँ शेड्यूल नहीं बन पाता कई लोगों ने सवाल पूछा कि जो रात को नाइट ड्यूटी करते हैं या रात को काम करते हैं वो अपना लिव, लिवर कैसे फिट नो ये बड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि आधी जनता यूएस के लिए भी काम करती है वो सारे यूएस में जब सो रहे हैं हम जग रहे हैं हम काम कर रहे हैं जो भी कॉल सेंटर्स वाले हैं और आप जैसे मीडिया के तो कभी सोते ही नहीं आपका कोई टाइम ही नहीं इसमें दो चीज़ें बहुत सिंपल है खाना सूर्यास्त के बाद नहीं ओके okay. और सूर्योदय से पहले नहीं आप रात भर काम करिए रात में गर्म पानी पी लीजिए नींबू की शिकंजी ले लीजिए बट ईटिंग इज़ नॉट ए गुड आइडिया इन द नाइट तो डोंट आई नो आज से ज़िंदगी बदल जाएगी पर मैं चाहता हूँ कि बदले सो डू नॉट कीप ऑन ईटिंग वेन यू आर वर्किंग इन द नाइट यू हैव योर मील्स वर्क द होल नाइट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा एक आदत बन जाएगी कि हाँ मैं यार खाने के बाद में बारह घंटे काम कर सकता हूँ अब इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ नॉट ए ग्रेड आइडिया इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ नॉट ए ग्रेड आइडिया इट इज़ टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग आप समझे टाइम रेस्ट्रिक्ट सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त हमारा जीवन चाहे कितना भी काम करिए रात भर कभी आपको थकान ही नहीं लगेगी थकेंगे ही नहीं आप आप ट्राई करके देखिए आई हैव हैव ट्राइड इट एंड आई सीन पीपल ज्यूस को देख लीजिए जैनीस को देख लीजिए वो शाम के बाद मतलब शुद्ध जैनी खाना नहीं खाएंगे अब पूरी रात काम कर मतलब शाम को पाँच छह सात बजे तक खा जितना हैवी खा हैवी खा सकते हैं जो खाना चाहे खाए ठीक है पचा लें पर रात भर चुगते नहीं रहें यहां तो रात को छोले भटूरे खाते हैं जो करोड़ों लोग आपको देखेंगे कुछ सीखेंगे एक और कॉमन क्वेश्चन है सर जैसे हम मीडिया पर्सनैलिटीज है हमें चाय पीने का बड़ा शौक होता है कुछ हुआ और चलो चाय पी के आते हैं बुलटिन नहीं है चाय पीते बोलना है चाय पी लेते हैं क्या चाय आपने बताया कि शराब पीने से लीवर पर असर पड़ता है क्या ये जो बार बार चाय कॉफ़ी हम पीते हैं ये भी आपके लीवर पर असर करता है देखिए चाय पे तो बहुत मामला सीरियस है क्योंकि चाय पे चर्चा तो एक बहुत हाई लेवल की चीज़ है तो चाय पे चर्चा मैं नहीं कर सकता पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप फिक्स टाइम पे खाएं जैसे आप ब्रेक होता है तो ले लिया आपने पर हाँ हर थोड़ी देर पर चाय पीना एक बहुत अच्छी आदत नहीं है और चाय से कॉफ़ी बहुत मायनों में अच्छी है ओके okay. इसलिए नहीं कि मेरा कॉफ़ी वाला एक कोई <laughs> इसलिए नहीं क्योंकि आप कॉफ़ी पी रहे थे <laughs> <laughs> कॉफ़ी पी रहे थे बिकॉज कॉफ़ी क्लियर्स द फैट फ्रॉम द लिवर इट इज़ अ वेरी गुड ये हमारे बेस्ट जर्नल्स में है मतलब साइंस में है ये <laughs> तो कॉफ़ी क्लियर्स द फैट फ्रॉम लिवर इट प्रिवेंट्स लिवर कैंसर इट प्रिवेंट्स फाइब्रोसिस ऑफ लिवर सो कॉफी इज़ बेटर बट कॉफ़ी के और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं किसी किसी का बी बढ़ सकता है बट येस yes, वन और टू कप्स और मग्स ए डे इज़ ए गुड आइडिया एंड नॉट बियॉन्ड दैट और चाय बार बार पीना मतलब तो दिन में पच्चीस चाय पी ली तो फिर तो ज़्यादा ही हो जाएगा हाँ दो तीन बार में इज नॉट ए प्रॉब्लम बट शुगर इन दैट इन दैट थिंग और शुगर फ्री बिल्कुल ना लें इज़ नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया शुगर फ्री एंड ऑल दीज अदर थिंग्स शुगर इज़ ए गुड आइडिया स्मॉल अमाउंट्स है विदाउट शुगर बट नॉट शुगर फ्रीज